संसद में आज का दिन बेहद हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष टूजी मामले पर सरकार को घेरने का मन लगभग बना चुका है और हंगामा टूजी घोटाले की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर हो सकता है। विवादों में घिरी इस रिपोर्ट पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी समेत सीपीआई और द्रमुक ने कड़ा एतराज जताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पीसी चाको की अध्यक्षता में वाली समिति ने टूजी घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट देते हुए पूर्व दूरसंचार मंत्री द्रमुक नेता ए राजा को जिम्मेदार बताया था। वहीं दूसरा मामला है जस्टिस गांगुली का। बीजेपी ने जस्टिस गांगुली के मुद्दे को संसद में उठाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की समिति की तरफ से दोषी करार देने के बाद भी जस्टिस गांगुली के पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर बने रहने पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने ट्वीट के जरिए जस्टिस गांगुली के WBHRC के अध्यक्ष पद पर बने रहने पर भी सवाल उठाया है। तो इन दोनों मसलों पर आज संसद में हंगामा हो सकता है। 2G पर JPC की जो रिपोर्ट है उसे आज सदन में रखा जाएगा, जिसे लेकर विपक्ष यहां पर हंगामा खड़ा कर सकता है। खासतौर पर बीजेपी जो लगातार ये कह रही है कि 2G की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बचाने की कोशिश की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस गांगुली का मामला भी सदन में आज उठ सकता है। और दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि वो जस्टिस गांगुली का मसला सदन के अंदर उठाएंगे और महाभियोग लाने की भी वो मांग करेंगे। तो इन दोनों मुद्दों पर आज संसद में हंगामे के पूरे आसार है। जस्टिस गांगुली का मसला, जिसे लेकर बीजेपी की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने यह साफ साफ कह दिया था कि जस्टिस गांगुली को WBHRC का पद, यानी कि पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से हट जाना चाहिए, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने भी यही कहा था। ममता बनर्जी ने तो राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिख दी थी कि जस्टिस गांगुली को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी है कमेटी ने, उसमें पहली नजर में इनको दोषी पाया गया है। हालांकि अभी तक पीड़िता ने इस मामले में FIR थाने में दर्ज नहीं कराई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पीड़िता जब इस मसले पर FIR दर्ज कराएगी, उसके बाद हम कोई कदम उठाएंगे। क्या कुछ कहा है शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मसले पर, आपको सुनाते हैं। ये जस्टिस गांगुली है जिसने विलासराव देशमुख के ऊपर बहुत बुरी तरह से स्ट्रिक्चर पास किए थे, छोटी सी एक गलती के कारण। मुख्यमंत्री ने किसी MLA के लिए पुलिस स्टेशन में फोन किया था, तो यही जस्टिस गांगुली के सामने वो आया था मामला। तो जस्टिस गांगुली ने अपने जजमेंट एक बार पढ़ने चाहिए। तो महाभियोग चलाया जाना चाहिए, मांग करेगी बीजेपी और शिवसेना? हम मांग करेंगे, बीजेपी भी करेगी और हम भी करेंगे। तो शिवसेना नेता संजय राउत कह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। इसे लेकर वो सदन में बाकी पार्टी के नेताओं से भी बातचीत करेंगे। तो संसद में जस्टिस गांगुली का मसला आज गर्मा सकता है।